क्लॉक टावर थाना अंतर्गत रहने वाली बुजुर्ग महिला को एक शातिर महिला ने बनाया ठगी का शिकार। विधवा पेंशन शुरू करवाने के नाम पर ई रिक्शा में बिठाकर नगर निगम, जेल, अस्पताल सहित पुष्कर के लगाए चक्कर। मेडिकल में गहने ना आ जाए इसलिए गहने उतरवा कर झांसा देकर लेकर हुई फरार। क्लॉक टावर थाना अंतर्गत 74 वर्षीय बुजुर्ग महिला चतुर्वेदी देवी से बुजुर्ग पेंशन शुरू करवाने का झांसा देकर जेवरात उतरवा कर ठगी करने का एक मामला सामने आया है। ठग महिला ने बुजुर्ग महिला को पेंशन शुरू करवाने का झांसा देकर अजमेर और पुष्कर के चक्कर लगाए और जेल अस्पताल में मेडिकल करवाने के नाम पर सोने के जेवरात उतरवा कर 5 मिनट में वापस आने की कहकर जेवरात लेकर रफू चक्कर हो गई। पीड़ित महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मलूसर रोड निवासी 74 वर्षीय बुजुर्ग महिला चतुरी देवी ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि वह घर के पास स्थित मंदिर पर पूजा पाठ करने गई थी। मंदिर के बाहर गाय को रोटी खिला रही थी, तभी एक अन्य महिला उसके पास आई और पूछा कि क्या आप विधवा हो। हाँ बोलने पर महिला ने कहा कि वह विधवा पेंशन शुरू करवा देगी, इसके लिए नगर निगम चलकर फोटो खिंचानी पड़ेगी। बुजुर्ग महिला ने पुलिस को बताया कि वह महिला के झांसे में आ गई और उसके साथ ई रिक्शा में बैठकर नगर निगम के लिए निकल गई। नगर निगम के बाहर ई रिक्शा नहीं रुकने पर उसने टोका तो ठग महिला ने कहा कि फोटो खिंचवाने से पहले जेल अस्पताल में मेडिकल कराना होगा। आरोपी शातिर महिला ने उससे कहा कि फोटो में अगर जेवरात दिखाई देंगे तो पेंशन नहीं मिल पाएगी। आरोपी महिला ने उससे जेवरात उतारवा कर पर्स में रखने और अपने पास सुरक्षित रखने को कह लिया। आरोपी महिला उसे अपने साथ एक अन्य महिला की पेंशन शुरू करवाने की कहकर ऑटो में पुष्कर भी लेकर गई। पुष्कर में काफी देर घूमने के बाद जब वापस अजमेर आई और उसे सुनसान जगह पर खड़ा कर दिया और कहा 5 मिनट में वापस आ रही है। इसके बाद 1 घंटे तक वह नहीं आई। इंतजार करने के बाद महिला ने अपने साथ ठगी होने का अंदेशा हो गया। महिला उसे सोने के जेवरात लेकर फरार हो चुकी थी। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने बुजुर्ग महिला चतुरी देवी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी शातिर महिला की तलाश शुरू कर दी है। मेरे साथ वो एक औरत आई थी, उस वाड़े में रोटी देने गई थी मैं, दूध का वाड़ा गाय का, तो दूध वाली से वो बात कर रही थी तो मैं गाय को रोटी देने गई तो उसके बोला कि औरत उसको बोल रही थी मैं नगर निगम से आई हूँ और मैं विधवाओं की ना पेंशन कराती हूँ, मेरी नौकरी है उधर, मेरे को 1000 तो कमीशन मिल जाती है, आपका फटाफट काम करा दूंगी। तो दूध वाले ने बोला ठीक है, मेरी जिठानी चल रही, मैं जितने में मैं पहुंच रही रोटी देने, तो मेरे को बोला है ना, उसने बोला ये भी तो विधवा है, ये भी उम्र की बड़ी है, बोले हाँ आपका तो 5000 हो जाएगा। तो दूध वाले को बोला तू तो आधार कार्ड लेके आ, तेरी जिठानी को लेके निगम में पहुंच, और मेरे को बोला चल चल तू जल्दी तेरा वो नहीं तो मैडम उठ जाएगी। फिर मेरे को वो ई रिक्शा में बैठा के लेके चली निगम में, नहीं चली फिर विक्ट्रा चली, फिर विक्ट्रा से पिस्टल ले गई, घुमाती घुमाती मेरे को किराया भी मेरा, फिर मेरे से सोना उतरा दिया, बोले ये चूड़ियां उतार, कान का भी उतार, पर्स में रख, नहीं तो फिर तेरा वो मेडिकल होगा, एक्सरे होगा उसमें आ जाएगा। तो मैंने निकाल के दे दिया, फिर बोला पर्स मैं अपने जेब में रखती हूँ, बाद में दे दूंगी। फिर मैंने बोला मेरे को पर्स तो दे, बोला अभी नहीं, रास्ते में पैसे भी गिन के दूंगी तेरे को 15000, और ये पर्स भी दे दूंगी। जितने में मैं वैशाली से थोड़ा दूर आई और मेरे को छोड़ के और भाग गई टैक्सी लेके, मेरे पास पैसा भी नहीं था, फिर मैं खड़ी थी उधर, फिर मैं स्टेशन के ऑटो पे बैठी, फिर एक बहन जी थी उसको मैंने बोला मेरे पास किराया नहीं, उसने 20 रुपए दिए किराया देके, स्टेशन में उतर के फिर 2:30 बजे घर पहुंची हूँ मैं।